जो किसी ने सोचा नहीं था वो भारत और जर्मनी ने कर दिखाया। जर्मनी ने सभी पुराने बंधनों को तोड़ते हुए अपने रक्षा सहयोग में भारत को एक अभूतपूर्व और विशेष दर्जा देने की घोषणा कर दी है। यह कदम न केवल जर्मनी और भारत के रिश्तों में एक नया मोड़ लाया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी बड़ी हलचल मचा दी है। एक समय था जब जर्मनी ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे और यूरोपीय हथियारों तक उसकी पहुंच को बाधित किया था, लेकिन अब वही जर्मनी भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनने की राह पर है, जो भारत के दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है। जर्मनी का यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है जब जर्मनी ने किसी एशियाई देश को अपने रक्षा सहयोग में इतना ऊंचा स्थान दिया है। यह विशेष दर्जा भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का प्रतीक है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की राह को और भी मजबूत बनाएगा। अतीत में जर्मनी ने भारत के प्रति कड़ा रवैया अपनाया था, विशेषकर हथियारों की आपूर्ति को लेकर। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने भी भारत के लिए इस मार्ग में अवरोध खड़े किए थे, लेकिन जर्मनी के वर्तमान चांसलर ओलाफ सोल्स के सत्ता में आने के बाद से भारत के प्रति उनकी नीतियों में बदलाव आया है। ओलाफ सोल्स ने जर्मनी की पुरानी नीतियों को एक तरफ रखते हुए भारत को एक अहम सहयोगी मान लिया है। जर्मनी द्वारा भारत को विशेष दर्जा देने का निर्णय भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति, रणनीतिक स्थिति और वैश्विक राजनीति में इसके बढ़ते प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जर्मनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत को महत्वपूर्ण सामरिक हथियारों जैसे यूरोफाइटर जेट और पनडुब्बियों की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेष रूप से प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मनी ने भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए पनडुब्बियों की त्वरित आपूर्ति का आश्वासन दिया है। यूरोफाइटर, जो अत्याधुनिक तकनीक और उच्च क्षमताओं से सुसज्जित एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। जर्मनी ने कई अन्य देशों जैसे कि तुर्की को इस विमान की बिक्री से इनकार किया था, लेकिन भारत को यह सुविधा देकर उसने अपनी दोस्ती और प्रतिबद्धता का सबूत दे दिया है। जर्मनी के हथियार निर्यात नियम बेहद सख्त रहे हैं, खासकर उन्नत रक्षा तकनीक को लेकर, लेकिन भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए जर्मनी ने इन नियमों में डील देते हुए उन सभी बाधाओं को हटा दिया है जो उनकी रक्षा साझेदारी में रुकावट बने हुए थे। जर्मनी का यह कदम भारत की सामरिक शक्ति को और मजबूत करेगा और उसे क्षेत्रीय दुश्मनों के खिलाफ मजबूती प्रदान करेगा। इस घोषणा से जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया है कि भारत अब एक ऐसा देश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जर्मनी का यह कदम भारत के विरोधियों के लिए एक चेतावनी भी है कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। आपका इस निर्णय पर क्या विचार है? क्या जर्मनी द्वारा भारत को यह विशेष दर्जा देना एक नई मिसाल कायम करता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।